उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक सरकारी कर्मचारी को मंगलवार को 6 साल की बच्ची और एक बकरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया। यह अपराध जिले के अहमदगढ़ गांव में एक दिन पहले हुआ। इसका एक कथित वीडियो जिसे एक ग्रामीण ने रिकॉर्ड किया था सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। बुलंदशहर पुलिस ने बताया कि नाबालिग बच्ची के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर एक FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद आरोपी गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार सिंह बुलंदशहर में अपने एक परिचित के घर गया था, जहां उसने बच्ची को अकेला पाकर कथित रूप से उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर बकरी के साथ भी दुष्कर्म किया। सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 65(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करने पर सजा का प्रावधान करती है। पुलिस ने बताया कि सिंह कृषि विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत है। सूत्रों के अनुसार नाबालिग लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। ये थाना अहमदगढ़ क्षेत्र में कल शाम करीब 5:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम गजेंद्र सिंह है और वह ADO EP के पद पर शिकारपुर ब्लॉक में तैनात है। वो अपने एक किसी जानकार व्यक्ति के यहाँ गया था और वहीं एक बच्ची थी जिसके साथ उसने दुष्कर्म किया और उसके उपरांत उसने वहाँ एक बकरी बंधी हुई थी, उसके साथ भी अननेचुरल सेक्स किया। पास में खड़े एक बच्चे द्वारा इस पूरी घटना की वीडियोग्राफी कर ली गई थी। इस सूचना के आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए जो अभियुक्त है उसे गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। साथ ही पीड़ित परिवार को जो अनुमन्य आर्थिक सहायता है वह उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही साथ मेडिकल और काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त इस केस को हम लोगों ने स्पीडी ट्रायल के लिए चिन्हित किया है और इसमें माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए इस केस में सजा दिलाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि वह सरकारी कर्मचारी था उसको निलंबित करते हुए उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी संस्थापित कर दी गई।